मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो हम चैप्टर करेंगे कौन सा, चैप्टर फिफ्थ, 100 ड्रेसेस फर्स्ट। सबसे पहले यदि मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दूं तो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ स्मॉल गर्ल वांडा। वांडा यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फिट एंड sit next to the last bench in the corner of her room. All the girls of her class used to make fun of her, and Wanda was properly and funny name. She never quarreled with anyone and she was always calm. When a drawing competition is there, so Wanda took part in that competition. She made design of 100 dresses and the designs were beautiful. She was selected for the first prize and this surprised everyone very much. So this is the small introduction of the story. Before this, we have completed the summary of this chapter. Now, we start line by line explanation. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. आज मंडे का दिन है, जहां से कहानी स्टार्ट होती है कि आज मंडे का दिन है और Wanda Petronsky जो है वो अपनी सीट पे नहीं है. Not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. वहाँ पे वांडा की absence को किसी ने भी notice नहीं किया है, यहाँ तक कि Peggy और Maddie ने भी नहीं, जो कि हमेशा वांडा का मजाक उड़ाया करती थी. Usually Wanda sit in the seat next to the last seat in the last room in room last row in room 13. जो यूजुअली सामान्यतः वांडा जो है वो कहाँ पे बैठती थी, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, यानी लास्ट सीट से पहले वाली सीट पे, लास्ट रो इन द रूम 13, जो कमरा नंबर 13 में बिल्कुल क्या, बिल्कुल इस तरीके से ये कमरा है, तो कमरे के अंदर बिल्कुल यहाँ पे जो लास्ट रो है, इस रो में लास्ट से सेकंड बेंच पे जो है वो वांडा बैठती है. नेक्स्ट, सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. वो हमेशा वहां पे बैठती है वांडा, जहां पे कि ऐसे लड़के बैठा करते हैं. कैसे लड़के? जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं, तो वो लड़के उन लास्ट सीट पे बैठा करते हैं, वांडा भी वहीं पे बैठती है. द कॉर्नर ऑफ द रूम Where was most sculpting of it? Sculpting of it, most roars of laughter when anything funny was said and most mud and dirt on the floor. उस कमरे के उस कॉर्नर में क्या कि जहां पे कि जो पैर है, sculpting of it यहां पे लिखा हुआ है meaning side में क्या, noisy dragging movements of the feet on the ground, कि पैर जिस तरह से लगातार जो है थंप किए जाते हैं, लगातार धरती के ऊपर पैरों के बजने की जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं, स्कल्फिंग बोलते हैं. Most roars of laughter when anything funny was said. उस कमरे के उस हिस्से से, उस कॉर्नर से सबसे ज्यादा हंसी की आवाज आती थी कब, जब कोई भी मजाक की बात बोली जाती थी. And most mud and dirt on the floor. और फिर क्या कि बहुत सारी मड और बहुत सारी डर्ट जो है वो फ्लोर के ऊपर बिखरी हुई रहती थी. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. अब देखिए यहाँ पे बताया क्या गया कि Wanda जो है वो रूम नंबर 13 में है, वहाँ पे बहुत सारे रफ बॉयज बैठते हैं और जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ पे जो हंसी आने वाली जो आवाज़ होती है वो उसी कॉर्नर से आती है. लेकिन वांडा जो है वो इसलिए वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वो कोई रफ गर्ल थी या बहुत ही ज़्यादा बातों नहीं शोर करने वाली लड़की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था.
On the contrary, इसके विपरीत she was very quiet. अब इसने यहाँ पे लिखा ना कि noisy, तो वो noisy नहीं थी, बल्कि वो तो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा quiet थी, शांत रहने वाली थी. And rarely said anything at all. और शायद दूसरों से मुश्किल से भी वो कुछ कभी कहती थी. And nobody had ever heard her laugh out loud. शायद क्लास में किसी ने ही उसकी आवाज को जो है वो तेज से हंसते हुए सुना होगा, यानी कि उसके हंसने की आवाज भी किसी ने आज तक नहीं सुनी होगी. बड़े धीमे तरीके से वो मुस्कुराती थी. Sometimes she twisted her mouth in a crooked manner. Twisted her mouth in a crooked sort of smile. कई बार सिर्फ वो क्या करती थी, तो अगर कई बार सिर्फ वो crooked short मतलब होता है awkward, बेढंगे तरीके से क्या कर देती थी, स्माइल करती थी, वो भी अपने होठों को मुंह को अजीब से तरीके से सिकुड़ के और फिर उस थोड़ी सी स्माइल करती थी. बट दैट वॉज ऑल, बस इतना ही. इससे ज़्यादा कभी उसके हंसने की आवाज़ या कभी उसके बातें करने की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. अब जो वहाँ पे जिस तरह का environment था last benches पे, Wanda उनसे कहीं पे भी match नहीं करती थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि आखिर Wanda वहाँ पे बैठती क्यों है. It was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually caked with dry mud. और क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो वहां पे इसलिए बैठती थी क्योंकि वो आती थी कहाँ से, Bogging Heights से आती थी, और उसके जो पैर थे वो पूरे जो है भर जाते थे, caked means covered with dry mud, उसके पूरे के पूरे जो पैर हैं वो ढक जाते थे किससे, सूखी धूल से, यानी कि उसके पैरों पे बहुत सारी धूल होती थी, इसलिए वो उस कॉर्नर में जाकर बैठ जाती थी ताकि पूरा का पूरा जो क्लास है वो गंदा ना हो. But no one really thought much about Wanda Petronsky. लेकिन Wanda Petronsky के बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं जानता था. Once she sat in the corner of the room. एक बार जब means एक बार जब अगर जो है Wanda क्या करे कि जाकर कमरे के कोने में बैठ जाए, तो उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता था. The time about Wanda was outside of the school hours at noon time. When they were coming back to the school or in the morning early before school began. जब लोग उसके बारे में सोचते थे, the time when they thought, they जो pronoun है वो किसके लिए use हुआ है, तो they जो pronoun है वो use हुआ है उसके classmates के लिए. तो उसके जो classmates हैं वो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ कब सोचते थे, जब Wanda जो है स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, स्कूल आवर्स उसके जो है ख़त्म हो जाते थे, दोपहर का समय होता था और वो सभी स्कूल से जो है वो वापस अपने घर जा रहे होते थे, तभी लोग जो है वो Wanda के बारे में सोचते थे. आगे हम पढ़ेंगे कि उसी टाइम पे क्यों. एंड इन और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो उसके बारे में सिर्फ Wanda के बारे में सिर्फ तभी सोचते थे जब Wanda जो है वो स्कूल आती है. When groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. या फिर कब, जब जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, दो या तीन का ग्रुप जो है वो क्या करता है, Wanda के बारे में बातें करता है, हंसता है. कहाँ पे खड़े रहते हैं वो सभी, स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल का जो आंगन है उसमें खड़े रहते हैं और Wanda का मजाक उड़ाते हैं. Then sometimes they waited for Wanda. और उसके बाद वो काफ़ी समय तक Wanda के लिए इंतज़ार करते हैं, टू हैव फन विद हर, किस लिए, ताकि वो Wanda का मजाक उड़ा सकें. द नेक्स्ट डे ट्यूजडे Wanda वॉज नॉट इन स्कूल. अब यहाँ तक की जो बात हम कर रहे थे वो उसके क्लासमेट्स के बारे में हमने देखा, Wanda की जो सिचुएशन है क्लासरूम में वो क्या है, कंडीशन क्या है उसकी क्लासरूम में वो हमने देखा, और यहाँ तक हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, क्या आखिर Wanda का जो नेचर है वो किस तरह का है, वो हमने यहाँ पे पढ़ा. नेक्स्ट, Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. उसके बाद वो काफ़ी समय तक जो उसके क्लासमेट्स हैं वो उसका इंतज़ार करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल के छुट्टी के बाद या स्कूल में आने से पहले वो लोग उसका इंतज़ार करते हैं ताकि वो क्या कर सके, उसका मजाक उड़ा सकें. अब अगले दिन की बात आ जाती है, द नेक्स्ट डे, क्योंकि मंडे को हम लोग पढ़ रहे थे, अभी कौन सा डे आ जाता है, ट्यूजडे आ जाता है.
तो द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर. आज भी वांडा स्कूल में नहीं आई थी एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को आज भी नोटिस नहीं किया. बट ऑन वेंसडे पैरी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स हु डिड नॉट ट्रैक इन ए वॉल ऑफ लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर. लेकिन वेंसडे की बात होती है, पैरी और मैडी जो है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, सेट डाउन विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं, हु गॉट गुड मार्क्स, जो कि वो बच्चे जो कि अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, हु डिड नॉट ट्रैक इन ए वॉल लॉट ऑफ मड, जो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर नहीं आते, यानी कि वॉकिंग हाइट से नहीं आते, वो बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर. तो वो लड़कियाँ कौन, पैगी और मैडी, जो कि अच्छे मार्क्स भी लाती हैं, वॉकिंग हाइट से भी नहीं आती, तो वो नोटिस करती है कि वांडा जो है वो वहां पर नहीं है. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पैगी जो है वो सबसे पॉपुलर लड़की होती है अपने स्कूल में. शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. क्यों, उसके जो है किस तरह का, जो अगर आपसे पैगी का करेक्टर स्केच पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पैगी जो है वो किस तरह की लड़की है. तो पैगी जो है वो एक सुंदर सी लड़की है, उसके जो है प्रीटी क्लॉथ, सुंदर उसके कपड़े हैं, एंड हर हेयर वॉज कर्ली. कर्ली क्या होते हैं, जो घुमावदार, जो मुड़े हुए वो रहते हैं, घुंघराले जिसको हम बोलते हैं. तो वो कहती है कि पैगी जो है प्रीटी भी है, सुंदर भी है, उसके कपड़े भी सुंदर हैं, उसके जो है बाल भी घुंघराले हैं. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है. एंड हर हेयर वॉज द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. अब ऐसा कोई कारण नहीं था कि वांडा और जो पैगी और जो मैडी है वो एब्सेंस हो गए थे स्कूल से. सॉरी, पैगी और मैडी जो है वो वांडा के एब्सेंस को इसलिए नोटिस करते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने किस लिए नोटिस किया, क्योंकि वांडा ने उन्हें लेट करवा दिया था. अब लेट क्यों करवा दिया था, कैसे लेट करवा दिया था, ये हम पढ़ते हैं अभी. दे हैड वेटेड फॉर वांडा. वो वांडा के लिए इंतजार करती हैं. कौन इंतजार करती है, पैगी और मैडी, टू हैव सम फन विद हर, क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ाना चाहती हैं. एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वांडा आई नहीं, तो इस वजह से वो कहती हैं कि वांडा ने क्या कर दिया, उन्हें लेट करवा दिया. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर, और उन्होंने क्या कि वांडा पेट्रॉन्स्की का वेट किया सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए, बाकी दूसरा कोई रीजन वहां पे नहीं था. तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं. तो ये आज का आपका टास्क रहेगा. नेक्स्ट, वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज मोस्ट पॉपुलर इन रूम 13. Did not have names like that. Wanda Petronsky, most of the children room 13. ज्यादातर बच्चे जो room number 13 में थे did not have names like that. उनमें से किसी का भी नाम इतना मजाकिया नहीं था. क्या means, यहाँ पे जो Wanda, Peggy और Maddie है उनका मानना क्या है कि Wanda Petronsky का नाम जो है वो बहुत ही ज्यादा funny है. इतना फनी नेम रूम नंबर 13 में किसी का भी नहीं था. नेक्स्ट, दे हैड नेम इजी टू से, और सारे के सारे जो नाम हैं वो बोलने में बहुत ही ज्यादा आसान लगते हैं. किस तरह के, जैसे दे हैड देयर वन बॉय नेम लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. यानी आसान आसान से नाम हैं सारे के सारे वहां पे. लेकिन देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, and people thought that was funny. लेकिन एक लड़का है जिसका नाम है क्या, विली बाउंस, और लोगों को लगता है कि हाँ उसका नाम भी थोड़ा बहुत फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वाज. लेकिन इतना फनी नहीं है जितना कि किसका, वांडा पेट्रॉन्स्की का.
वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वांडा स्कूल अकेले आती थी और वापस भी अकेले ही जाती थी। She always wore a faded blue dress. Faded means होता है जिसका रंग उड़ जाता है। Blue dress that did not hang right. और एक वो faded blue color की dress पहने रखती थी। Hang right means जिसपे कि क्या जो है सही तरीके से जो है नहीं टांगा गया हो, यानी कि उसके ऊपर सलवटे जो है वो नजर आती थी। It was clean. लेकिन जो dress थी वो साफ होती थी। But it looked as though it had never been ironed properly. लेकिन उसको देखने पे आप साफ तरीके से सोच सकते हैं कि उसको शायद उसमें जिस तरह की सलवटें पड़ी होती थी तो शायद उसको सही तरीके से प्रेस नहीं किया जाता था। She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. तो हालांकि वांडा के किसी तरह का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो लड़कियां थी वो उसके बारे में बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the warm hard ground. Hopscotch यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक तरह का गेम है जिसमें कि बच्चे जो है वो स्क्वायर बनाते हैं और उछलते हुए जो है इस गेम को खेलते हैं। तो जो वांडा है जब वो क्या करती है कि स्कूल में आराम से खड़ी हुई है और क्या कर रही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हॉपस्कॉच का गेम खेलते हुए देख रही है। वांडा पैगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टियस, कर्टियस क्या होता है पोलाइट मैनर, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैशन। मिस मैशन जो है वो कौन है, तो वो वांडा मैगी और पैडी की क्लास टीचर है। तो यहाँ पे वांडा जो है पैगी वांडा को बुलाती है, बड़े पोलाइट तरीके से बोलती है कि वांडा, और बिल्कुल इस इतने प्यार से जितने पोलाइट तरीके से वो अपनी टीचर मिस मैशन को बुलाती है, इतने पोलाइट तरीके से वो वांडा का नाम लेती है। कौन? पैगी। तो वांडा शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। नज मींस क्या होता है, जेंटल पुश, थोड़ा सा ऐसे पुश कर देना कि अभी देखना है किस तरह का रिएक्शन देगी। तो वांडा जो पैगी है वो वापस से अपनी फ्रेंड को जो है वो नज करते हुए बोलती है कि अब देखना क्या ये कहेगी। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। क्लोसेट मींस होता है अलमीरा, जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो ये पैगी, मैडी और बाकी क्लासमेट्स हैं और ये वांडा है। तो पैगी पूछती है कि जो है वांडा बताना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो कि अलमीरा में रखी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।